Delhi World Public School, India's number one emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9th. इस वक्त हम आदत आश्रम के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर नगर निगम अजमेर की जो टीम है वो कोरोना वायरस की जो महामारी है उससे लड़ने के लिए सैनिटाइज कर रही है पूरे वार्ड को. मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, इस तस्वीर को आप देखिए. ये अजमेर नगर निगम की टीम है, पूरी सफाई कर्मचारी हैं. ये इस तरीके से इस मशीन को लेकर जा रहे हैं और इस तरीके से देखिए हर दुकान को, सड़क को पूरी तरीके से सैनिटाइज करने के लिए यहाँ पर एकजुट हो गए हैं. ये टीम आज यहाँ पर रात भर यहाँ पर काम करेगी और ये एक्स्ट्रा समय यहाँ पर दे रहे हैं इस वार्ड को काम करने के लिए. और हमारे साथ में और ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ के जो वार्ड पार्षद है ज्ञान सारस्वत, वो हमारे साथ मौजूद हैं. उनसे जान लेते हैं कि ये कितना काम लगातार जारी रहेगा, कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और किस किस तरीके से बचाव के जो उपाय हैं उनको लिया जा रहा है. ये बताइए मुझे सबसे पहले कि ये जो लोग हैं ये किन चरणों में पूरा सैनिटाइजेशन. मेरे नगर निगम की वार्ड की टीम है, सफाई टीम है. इसमें माननीय इंस्पेक्टर महोदय, माननीय जमादार जी और मेरे कर्मचारी साथीगण हैं. आज ही हमारे इन सभी साथियों ने तय किया है कि हमने गांवों से और नगर निगम के जो सतत एक मशीन के द्वारा कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज लगभग हमने 8 मशीनें मंगाई है. केमिकल नगर निगम से माननीय इंस्पेक्टर जी ने और प्रशासन ने हमें उपलब्ध कराया है. तो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का जो आह्वान था कि जनता कर्फ्यू, उस कर्फ्यू के अंदर हम उसको अच्छा रूप देते हुए आज जब दुकानें बंद हैं तो हम चाह रहे हैं कि हमारी पूरी सड़कों पर, नालियों पर, दुकानों के शटर पर सब जगह दो बार पूरी रात में स्प्रे हो जाए. इसके लिए हमारे 10-10 की हमने दो टोली बनाई है. 10 हमारे नगर निगम के कर्मचारी साथीगण हैं, 10 वार्ड के कार्यकर्ताओं की और वार्ड के निवासियों की टीम है. एक चरण ये हमारी टीम पूरी करेगी. ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से ड्यूटी टाइम के बाद में, ड्यूटी इनकी 5 बजे ऑफ हो चुकी है, लेकिन इन्होंने अपने कर्मभूमि समझते हुए अपना ये टाइम रात को 12 बजे तक पहला चरण ये पूरा करेंगे. 12 बजे बाद में हमारी दूसरी टीम जो वार्ड के कार्यकर्ता की लगेगी और पूरे वार्ड की हर गली, हर शटर, हर मकान का दरवाज़ा, बाहर खड़े वाहन, चबूतरी, हर जगह रात में 2 बार स्प्रे होगा. इसके साथ साथ दैनिक जो नगर निगम स्प्रे करा रही है वो करा रही है. सारे खड्डों में काला ऑयल और अन्य दवाइयाँ जो है वो हमारी डल चुकी है. जेसीबी हमारी लगातार वार्ड में चल रही है. तो कोरोना से जैसे बचाव उपाय है, उपचार है, तो जितना हम बचने की कोशिश कर रहे हैं हम कर रहे हैं. हमारे नगर निगम के अधिकारी महापौर जी कर रहे हैं, हमारे साथी कर रहे हैं, वार्ड के लोग अवेयरनेस कर रहे हैं और भविष्य में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आगामी 3 से 4 दिनों में और बड़े दूसरे कार्यक्रम करने की योजना भी हम बना रहे हैं. 22 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू बुलाया है, उसको लेकर आपकी कोई अपील अजमेर वासियों से. मैं मेरे वार्डवासी और अजमेर वासी और विशेषकर मेरे वार्डवासियों से निवेदन करूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो जनता कर्फ्यू की अपील की है उसका वैज्ञानिक कारण भी है. मोदी जी एक अच्छे जन नेता के साथ साथ उन्होंने वैज्ञानिक विश्लेषण करके ये बात रखी है. तो मैं ये अपील करूँगा कि उनकी अपील के अनुसार कोई भी व्यक्ति बाहर ना निकले. इसमें प्रधानमंत्री जी का हित नहीं है, इसमें हमारा हित है, हमारे राष्ट्र का हित है, हमारी अजमेर का हित है, पूरे भारत का हित है, विश्व का हित है. इसको मैं प्रधानमंत्री जी की अपील को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूँगा कि 22 मार्च को कोई भी व्यक्ति अपने घरों से, प्रतिष्ठान से बाहर ना निकले और सड़कों पर ऐसा लगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री एक आवाज़ उठा देता है और देश सारा घरों में सो जाता है, ये स्थिति होनी चाहिए. 10 लोगों की जो टीम है आपकी रात को 12 बजे बाद काम करेगी, आपको लगता है कि जब जैसी स्थिति इस समय देश में बनी हुई है तो शहर में कुछ और वॉलंटियर्स को भी आगे आना चाहिए और सहयोग करना चाहिए? बिल्कुल, इसमें हमारे शहर के कई लोग और कई संस्थाएं सोच भी रही है आगे काम करने की, लेकिन एक समस्या आ रही है कि जो हाथ धोने का वॉश बनाना चाह रहे हैं, स्प्रिट नहीं मिल रही है, कई तरह की हमारे जो संसाधन उपलब्ध होने में दिक्कत आ रही है, तो उसकी परसों के बाद में व्यवस्था करेंगे. मैं अपील करूंगा महापौर जी और आयुक्त महोदय से भी, वहां से भी हम साधन और जुटाने का प्रयास करेंगे और इस चरण को आगे बढ़ाते हुए और अजमेर को तो कम से कम हम कोरोना मुक्त बिल्कुल करेंगे कि अजमेर में एक भी मौत कोरोना वायरस से ना हो ऐसी. तो बिल्कुल, ये ज्ञान सरस्वत हैं, वार्ड पार्षद यहाँ के, बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि अजमेर में एक भी मौत कोरोना वायरस से नहीं होनी चाहिए. उसके लिए पूरी तैयारी जोर शोर से नगर निगम भी कर रही है, अपने स्तर पर ये लोग भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो 10 इनके वार्ड के वॉलंटियर्स निकल कर आए हैं और जो रात को 12 बजे बाद सैनिटाइज करेंगे पूरे वार्ड को, वो महत्वपूर्ण बात ये इसलिए भी इन्होंने बताई है हमको कि रात को 12 बजे बाद इसलिए भी चुना गया है समय क्योंकि इस समय वार्ड के अंदर किसी प्रकार की जो लोग हैं, वार्डवासी हैं, उनकी हलचल नहीं होती और ऐसे में तमाम दुकानों के, घर के बाहर की जो स्थिति है, जो गलियाँ हैं, सड़क है, इनको सैनिटाइज कर दिया जाएगा. तो कहीं ना कहीं ये पहली तस्वीर है किसी वार्ड पार्षद की निकल के आ रही है जो अपने स्तर पर इस तरीके से सैनिटाइज पूरे वार्ड को कर रहे हैं. हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो बाकी के वार्ड पार्षद हैं और जो नगर निगम के अंदर मनोनीत पार्षद हैं उनको अपने वार्ड की स्थिति भी देखनी चाहिए और वहाँ पर खुद अपने स्तर पर और वॉलंटियर्स को इन्वाइट कर इस तरीके से
कोरोना जैसी महामारी को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, एमपीटीवी इंडिया, अजमेर। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या COVID-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं आप। अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-7804-6। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।